वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे YouTube चैनल देवा शेफ्स में। ना आज जिस रेजर के बारे में मैं रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन आइकनिक प्रोडक्ट है और शेविंग कम्युनिटी में इसका नाम बड़े ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। जी हाँ, पाक 91R। इससे पहले कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताऊँ, पार्क एज अ कंपनी ये 1973 में फॉर्म हुई थी। एक परिवार इस बिजनेस को चलाता है, ग्रोवर फैमिली। और इस प्रोडक्ट के बारे में जितना मैंने, जब से डीई शेविंग में, वेट शेविंग में आया, मैंने देखा कि हमारे भारत के लोगों को इतनी इसके बारे में, जिसे कहते हैं, नॉलेज नहीं है। मगर यूरोप में, अमेरिका में जो इंटरनेशनल शेविंग कम्युनिटी है, वहाँ पे इसका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और अब ये अवेयरनेस भारत में भी इनके प्रति बन रही है। इनफैक्ट इनके कोई भी रिटेल आउटलेट्स मैंने अभी भारत में नहीं देखे। हाँ, ऑनलाइन ये इनके प्रोडक्ट्स अब मिलने लगे हैं। तो 1973 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और आज तक इस कंपनी ने केवल कस्टमर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स का डेवलप किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ना ये जो आप देख सकते हैं पार्क 91R, मैंने इसका हाल ही में यूज करना शुरू किया है। अभी मुझको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ यूज़ करते हुए, मगर जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की और इसको हाथ में लिया तो मेरे को पहली नज़र में इस रेज़र से प्यार हो गया। और सही बताऊँ तो जितने भी अभी तक मैंने रेज़र यूज़ किए हैं, उसमें ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी नहीं, ये मेरा फेवरेट है। अरे, वो कहते हैं ना कि अगर यमराज आके मेरे को कहे कि तू मेरे साथ चल अभी, और शेविंग प्रोडक्ट में तेरे को कौन सा एक रेजर रखना है, तो मैं अपने सारे के सारे शेविंग रेजर्स को साइड में रख दूंगा और इस रेजर को मैं अपने साथ लेके चलना चाहूंगा। इट्स अ बैड जोक। ओके, नाउ इसकी जो लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर के आसपास है और इसका वेट जो है काफी स्टडी वेट है, 85 ग्राम्स। ना बहुत ही बेहतरीन नर्लिंग दी गई है, फिट एंड फिनिश एक्सलेंट। ना ये एक 3-पीस रेजर है, स्टेम, बेस सेफ्टी प्लेट और शेविंग हेड। ना इसकी जो स्टेम है वो ब्रास की बनी हुई है, तो आपको कभी भी कॉरोजन, जंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसके ऊपर क्रोम फिनिश दी गई है, क्रोम की पॉलिश की गई है। और ऊपर का जो टॉप पार्ट है, जो 2 पीस हैं, ये पॉट मेटल के बने हैं। इनफैक्ट शेविंग कंपनियां जो है पॉट मेटल, जिसको जेमेक अलॉय भी बोलते हैं, ये जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक स्टडी अलॉय होता है। और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो टॉप जो रेजर का होता है उसको ये यूज़ करती हैं। और इस अलॉय के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन इन्होंने क्रोम पॉलिश की है। तो दिस पार्कर 91R क्लोज्ड कॉम रेजर। ना बिगनर्स को मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि आप इसको, अगर आपने डी शेविंग अभी शुरू की है तो आप इसको आज ही शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको कुछ बहुत ही लीस्ट अग्रेसिव रेजर्स को यूज करना चाहिए, जैसे जिलेट, स्टर्लिंग, इस तरह के रेजर से पहले आप अपने को कंफर्टेबल कीजिए। एक बार आपको 3-4 महीने का अच्छा एक्सपीरियंस होता है तब आप इस तरह के रेजर्स पे जा सकते हो। बट यस, आई एम थॉरली सेटिस्फाइड और एज अ कस्टमर, और जब भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ तो मेरे को बहुत ही शेविंग में बहुत मज़ा आता है, एक अलग तरह का अनुभव होता है। इनफैक्ट मैं हर बार वेट करता हूँ कि इस रेजर से मैं शेव कब करूँ, और ये मेरा अब एक गो टू रेजर हो चुका है। मतलब अगर मेरे को समझ में नहीं आता कि आज किस रेजर से शेव करूँ, तो मैं हमेशा पाकर 91R को चुनता हूँ। और बहुत बेहतरीन रेजर है, और ये एग्रेशन के मामले में जो है इसको माइल्ड से लेके माइल्ड तो नहीं कहूँगा, थोड़ा एग्रेसिव जरूर है ये। और इसकी तुलना जो है वो मर्कर 34C और एडविन जैगर DE89 जैसे रिनोन्ड रेजर्स के साथ की जाती है आज भी। अब क्योंकि ये थोड़े से महंगे रेजर हो जाते हैं
और इनको इजीली मिल पाना मुश्किल होता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट आराम से मिलता है, आसानी से मिलता है और आप इसको चाहें तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बट बहुत ही बेहतरीन ये रेजर है। नाउ ये कुछ इस तरह के बॉक्स के साथ आया था, हैसल फ्री बॉक्स, नो नॉनसेंस पैकेजिंग। इसके साथ मेरे को 5 पाक के ब्लेड्स मिले, बहुत ही अच्छे ब्लेड्स हैं ये। नॉर्मली 4-5 शेव्स मेरे को आराम से दे देते हैं। तो इस प्रोडक्ट का डेमो एक रिव्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद देता हूं। और आज जो मैं शेविंग सोप यूज करने वाला हूं, अगेन टेकोनिक बेरम शेविंग सोप। नाउ टेकोनिक सोप के बारे में एक डेमो मैं पहले दे चुका हूँ मेरे प्रीवियस ब्लॉग में, और वो जो था ये यूकलिप्टस मिंट था। आज हम बेरम सोप यूज करेंगे और ये बिल्कुल अभी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश पैक है, अभी हाल ही में मेरे को डिलीवर हुआ। देखिए टेकोनिक के शेव जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं, ये शेविंग टब, ये इनका सोप टब, और ये जो पक होता है लूज होता है, और इसके ऊपर इन्होंने कुछ इस तरह से कवर किया है हल्की सी पॉलिथीन कवर से। माइंड बॉगलिंग, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस, बेरम फ्रेग्रेंस है ये। देखिए ये जो बेरम फ्रेग्रेंस जो है ये जमैका वेस्ट इंडीज में इसका उद्भव, इसका ओरिजिन हुआ था। और इसकी जो परफ्यूम है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही वुडी है, स्पाइसी है और हल्की सी स्वीट, थोड़ी सी स्वीटनेस है इसमें। और इसमें बे एक लीफ होती है, एक स्पाइस होती है, और एक आपको हल्की सी जावित्री जिसको बोलते हैं नटमेग या दालचीनी सिनेमन, उस तरह का मिक्स की आपको स्मेल आएगी। तो नेट पे जब मैंने रिसर्च की बेरम के बारे में तो मेरे को पता लगा कि ये वेस्ट इंडीज में जमैका जो करके एक जगह है वहां पे इसका निर्माण हुआ था, और वो रम के साथ जो बे लीव्स और इस तरह के स्पाइसेस को मिला के जो एक कॉन्कोशन बनता है उसको उन्होंने अपने शेविंग प्रोडक्ट्स में यूज किया, मगर मेरे को ये स्मेल बहुत ही बेहतरीन लगी। अब ये कैसा लादक करता है उसके बारे में हम अभी डेमो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स शिफ्ट अवर फोकस टू द शेविंग डेमो। सो चलिए मेरे शेविंग डेम में, लेट्स एंजॉय द शेविंग। पाकर 91 आर, ब्लेड ओवरहैंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लेड ओवरहैंग है, एंड यू कैन सी दैट ब्लेड कैप आप देख सकते हैं। पाकर 91 आर शेविंग सोप टेकोनिक बेरम, ट्राइबड ऑन शेविंग ब्रश, और फोर शेव में आज मैं आफ्टर शेव लगाऊंगा, एंड आई यूज नीविया सेंसिटिव। Lovely. देखिए आप में से कुछ दर्शक, कुछ लोगों ने मेरे को शायद एक छोटी सी शिकायत भी की है कि सर स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करो ना यार, और अभी तो मोदी जी भी ऐसे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो और तुम तो ये सब दिखा रहे हो। तो देखिए मैं बिल्कुल आई एम ऑल्सो हार्ड कोर स्वदेशी, मगर इसका देखिए ये वही वाली बात हो गई कि मैं कार्स की रिव्यू दूं और आपको केवल टाटा और महिंद्रा की कार के बारे में बताऊं, और होंडा
क्या कहते हैं आपके रेनॉ और जो है आपका जनरल मोटर्स, निसान, इस तरह की कारों के बारे में बताऊं। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो मेरा चैनल करने का जो मेन पर्पज मैंने पहले भी बताया था आपको, इट इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट नॉट ओनली द यू नो इंडियन ब्रांड्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल ब्रांड्स। क्योंकि जब हम इस चीज से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम नतमस्तक हो जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जनरेट होती है उन लोगों से जिन्होंने इस तरह के यू नो शेविंग प्रोडक्ट्स बनाए। और जो ये डी एक यू नो डबल एच जो रेजर है, ये एक आइकनिक डिजाइन है। आपने अगर आप देखेगा पिछले 100 सालों में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके डिजाइन में एक जबरदस्त इवोल्यूशन हुआ है, मगर अगर आप इसको देखेंगे तो जिलेट किंग कैंप करके जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको बनाया था 1903 में, और ये डिजाइन उन्होंने पहला जो उनका रेजर था फैट बॉय, और वही डिजाइन आज भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है बस, ओपन कोम, क्लोज कोम, सेमी स्लैंट, मगर आप देखिए कितना आइकनिक। इसके प्रति तो हम नतमस्तक हो जाना चाहिए कि ये जो रेजर है 1903 और अभी चल रहा है 2020, पिछले 117 सालों में डिजाइन वही का वही है। तो हैट्स ऑफ टू दोस पीपल, तो जस्ट टू यू नो जनरेट दैट रिस्पेक्ट, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। मैं ये नहीं कहता कि जो केवल इन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदो, अगर इंडिया में ही हम अपने इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका आने वाले टाइम में मैं रिव्यू करूंगा, तो इट इज जस्ट टू यू नो गिव यू दैट एक्सपोजर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। कभी रेजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री और किस तरह से उसमें इवोल्यूशन आए। चले लेट्स स्टार्ट लादर क्रिएशन। थोड़ा सा पानी, वेरी स्ट्रेट लादा, आप देख सकते हैं अच्छा लादा बनना शुरू हो गया है, और मेरे आसपास एक स्पाइसी हल्की सी गुड़ी फ्रेग्रेंस बन गई। देखिए लादा बनाना बहुत जरूरी है, एक बेहतरीन लादा जो है वो आपको शेविंग को बहुत कंफर्टेबल बना देता है। सो यहां पे कॉर्नर्स को बिल्कुल कट मत करिए। और दूसरा, लादा मेकिंग इज अ वेरी थेरापेटिक एक्सपीरियंस, एक हीलिंग का काम करता है। दिन भर आप अपनी चीजों से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, मगर जब आप लादा बनाते हैं तो एक अलग लेवल का मजा आता है। So you can see, एक बढ़िया लादा बन गया, वेरी स्लिक एंड वॉल्यूमिनस। टेक्निक के शेविंग सोप सब इंडिया में मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे दूंगा मैं आपको। As usual, let me see my neckline. हल्का सा साइड बर्न्स को मैं लिफ्ट करता हूं। सो एंगल ऑफ अटैक, एविएशन इंडस्ट्री का वर्ड है भैया, करेक्ट, इट्स नॉट अ शेविंग वर्ड, मगर मैं बोलता हूँ एक हल्का सा वो 30 डिग्री
छोटे छोटे स्ट्रोक देते आगे बढ़ेंगे। पहला पास एज यूजुअल विद द ग्रेन, सो स्मूथ। रेजर एक अच्छा फीडबैक दे रहा है मेरे को। मैंने मर्कर और एडविन जैगर के रेजर्स अभी तक यूज नहीं किए हैं, मगर मर्कर 34C और एडविन जैगर D89 के कंपैरिजन में ऐसा सुना है कि थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है। सच में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन, एफर्टलेस, वाओ। इस रेजर को जितनी बार अब तक मैंने यूज किया है, ये एक अलग ही जोर में मेरे को ले गया। 33 ग्रोवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने आउटलेट्स जरूर खोलें। वी नो यू आर प्रीमियम कंपनी, मगर अपनी शेविंग कम्युनिटी आपसे जुड़ना चाहेगी। मैं कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि शेव मैं रेजर चला रहा हूं। आप कह रहे होगे अतिशयोक्ति की हद है भाई, आप सोच रहे होगे कि ये एक यू नो एग्जैजरेशन हो रहा है, मगर आई एम टेलिंग यू परफेक्ट वेट बैलेंस है रेजर का। Proud to be Indian. Yes. दो पास पे हो गए शेव भैया, अगेंस्ट द ग्रेन जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मगर मैं फिर भी जाऊंगा क्योंकि दो दिन पुरानी स्टबल थी मेरी।
इस तरह से जब आप शेविंग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप दुनिया से कट जाते हैं। वैसे तो आजकल लंबे ही कट गए हैं, पिछले 40-45 दिन हो गए, मगर जब आप इस भाव में आ जाते हैं शेव करते हुए तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यू फील कट ऑफ और आपका अपने आप से एक कनेक्शन बनने लगता है, यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। नाउ थर्ड पास अगेंस्ट द ग्रेन। रेजर मेरे को कह रहा है कि बेटा आराम आराम से चलाओ, बाकी का ख्याल मैं रखूंगा, डोंट वरी। लाइटर जेंटलर स्ट्रोक्स, बाकी तेरे को कुछ नहीं करना है, मैं हूं ना यार। यस, पता ही नहीं लग रहा। आप करोगे यार, बहुत ज्यादा बोल रहा है यार। देखो यही बात होती है जब आप शेविंग एक्सपीरियंस से धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो एक अलग तरह का आपके अंदर भाव आ जाता है। वही मैं इस समय फील कर रहा हूं। ये वाला पोर्शन जरा जो पार्ट होता है ये जरा सेंसिटिव होता है, तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। हल्के हल्के आप अपने रेजर को चलाइए, ये लोब्स को थोड़ा सा लिफ्ट करिए। परफेक्ट रेजर ग्लाइड, दैट्स कंप्लीट माय शेविंग सेकेंड पार्ट। नॉर्मल शेविंग से मेरे को जो आफ्टर बर्न्स होते हैं फिट करी एलम लगा के, वो आज बहुत ही कम हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो ही नहीं रहे। Let me see the smoothness. अरे बाप रे। You know what is this called? It's a very common word in shaving community. BBS, baby butt smooth shave. What? Yes, that is what I am experiencing right now.
इट्स BBS स्मूथनेस। ये ट्रबल स्पॉट्स में आप ऐसे ऐसे चला रहे हो, ऐसे ऐसे चला रहे हो, मेरे को कहीं से भी ग्रेस नजर नहीं आ रहे, फील ही नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं यार, जब है चीज तो उसकी करी ही जाएगी। चलिए कम टू द लास्ट पार्ट, पोस्ट शेव। सो टुडे आई एम अप्लाइंग निविया फॉर सेंसिटिव स्किन आफ्टर शेव। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस, दिस इज अल्कोहल फ्री। तो जो आफ्टर बर्न होते हैं आपको अप्लाई करके, करेक्ट, हल्की सी आपको चिरचिरी लगती है, थोड़ी सी जलन सी होती है, वो बिल्कुल नहीं होती इससे। और इसकी फ्रेग्रेंस स्मेल बहुत ही खास है। निविया इज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन अ यू नो गुड प्राइस रेंज। थोड़ा सा मैं डालूंगा, फैंटास्टिक। सच में बहुत मजा आया जब ऐसी शेव हम करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया बड़े अच्छे भाव आने लगते हैं, वी बिकम जेंटलमैन इन ट्रू नेचर। तो मैं भी अभी जेंटलमैन हो चुका हूं, नीचे जाता हूं, बच्चों के लिए एक बढ़िया सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता हूं, करेक्ट, वाइफ को एक मैं बियर हग देता हूं। तो चलिए आज का वीडियो एंड करने से पहले मैं एक गाने की कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहूंगा। गाने के कुछ बोल ऐसे हैं, डोंट वरी बी हैप्पी, और इसको गाया है बॉबी मैकफेरन ने। थोड़ा सा झेलिए, गाना आज के टाइम में बड़ा ही प्रासंगिक है, बहुत अच्छा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। हियर्स अ लिटिल सॉन्ग आई हैव रोट, यू माइट वांट टू सिंग इट नोट टू नोट, डोंट वरी बी हैप्पी। In every life we have some trouble, when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy, don't worry, be happy now. So this is one of my favorite songs. जब मैं थोड़ा सा down feel करता हूँ तो इस गाने को गुनगुना ही लगता हूँ, so ऐसा आप भी कर सकते हैं। So I wish you all the very best. That's all for today.